Hi friends, welcome again. Actually, today I am discussing about the how to attempt the 8 mark questions in your question paper. Actually, यदि question paper का पूरा scenario आप देखते हो तो आपकी जो creative writing है या जो creativity है वो केवल यही एक portion है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है. बाकी 1 to 20 जो objective या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें आपको डायरेक्टली वन लाइन में या एमसीक्यू में आंसर देने होते हैं. पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में भी आपको कुछ नहीं करना है. मैप वाले में भी आपको केवल मैप्स को लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है. 8 मार्क्स का एक पोर्सन है जो कि 24 मार्क्स का पोर्सन है. और ज़्यादातर बच्चों को यदि आप देखो तो वो इन्हीं सवालों की ज़्यादा तैयारियाँ करते हैं 24 मार्क्स के लिए, क्योंकि जो 3 मार्क का पहले 4 मार्क का होता था उसको कन्वर्ट करके उन्होंने 3 में कर दिया. 3 मार्क वाले में भी जो वर्ड लिमिट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना होता है. तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ जहाँ पे मार्क्स से कट होने की संभावना रहती है या जहाँ पे मार्क्स आपको नहीं मिल पाते हैं वो 8 मार्क्स वाले सवाल हैं. और जिन बच्चों का टारगेट 100 मार्क्स का है उनके लिए ये पोर्शन बहुत ज़रूरी है. तो उससे सबसे पहले किसी भी चीज़ को करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए. और प्लानिंग में यही है कि इस प्रकार का जो भी सवाल आ रहा है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए. तो पहला तो जैसा कोई भी बेसिक चीज़ होती है उसके लिए मेरा पहला ऑप्शन आपके लिए ये होता है कि हमेशा CBSE गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए कि CBSE गाइडलाइन आपको क्या बोल रही है. तो CBSE गाइडलाइन सिंपल सा, आपको यदि आप अपने जो CBSE का जो सिलेबस है उस सिलेबस में यदि आप जाओगे तो उसके अंडर गोन होगे तो वहाँ पे 8 मार्क के जो सवाल हैं उनमें सिंपल उन्होंने कुछ चीज़ों की डिमांड कर रखी है कि 8 मार्क का जो सवाल है वो डायरेक्ट ये नहीं है कि बच्चा रिमेंबर करके आएगा और उसे वैसा का वैसा कॉपी के अंदर उतार देगा. उन सवालों का स्ट्रक्चर CBSE के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होगा कि बच्चा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे. अंडरस्टैंड करने के बाद उसके अंदर एक एनालिटिकल पावर हो कि उसके पास कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बेस पे वो किस कंक्लूजन पे जा रहा है वो आपसे ये जानना चाहते हैं. आप नॉर्मली क्या करते हो कि जैसे कोई भी सवाल है आप डायरेक्टली पढ़ते हो और उसके आंसर को उतार देते हो, 8 पॉइंट लिख देते हो और उसमें आपको लगता है कि मेरे को 8 मार्क्स मिल जाने चाहिए. लेकिन जो आंसर स्कीम होती है वो थोड़ी अलग होती है. तो पहला जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसी के आगे कि एक तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए कि शुरुआत में जो कुछ इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर पे आपके लिए रहते हैं तो उसमें 8 मार्क्स वाले भी सिंपल से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि 350 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना है. यानी कि आपको आंसर है वो 350 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखिए इसके दो बातें हैं. यदि आप 350 को क्रॉस कर दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो रेस्ट ऑफ पेपर है वो आप सही टाइम पे मैनेज नहीं कर पाओगे या बाकी क्वेश्चंस को उतना टाइम नहीं दे पाओगे तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ होने की संभावनाएं होंगी. यदि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हो तो इसमें CBSE की तरफ से कोई माइनस मार्किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है क्योंकि वर्ड लिमिट दी गई है. तो 350 मार्क्स का आइडिया कैसे लगाएं, तो वहाँ पे ये नहीं कि आपको काउंटिंग करने के लिए बैठना है कि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ कि मेरे कितने वर्ड्स हो गए. तो नॉर्मली ये माना जाता है कि 3.5 पेज मतलब 350 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. अब ये भी हो सकता है कुछ बच्चे बोलें कि मेरे तो 1.5 पेज में ही 350 वर्ड्स हो जाते हैं. तो देखिए नॉर्मली कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स बनाते हो तो देखिए एक लाइन में आप हेडिंग लिखिए, फिर उसके नीचे उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, फिर जो सेकंड पॉइंट आता था उसके बीच में कुछ लाइंस का स्पेस छोड़िए, कहीं पे आप कोई डायग्राम ड्रॉ कीजिए, कहीं पे कोई मैप यदि है तो वो ड्रॉ कीजिए. आपको 3 या 4 पेज तक आंसर को जाना चाहिए क्योंकि देखिए आप सिंपल से 8 पॉइंट लिख देते हो तो 8 मार्क क्वेश्चन आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप डायरेक्ट 8 पॉइंट लिखो. 8 मार्क क्वेश्चन है वो आपसे आंसर में ये डिमांड कर रहा है कि आप उन पॉइंट्स को एनालिटिकल पावर से समझाने की कोशिश करो कि आपने उसे क्या समझा है. तो नॉर्मली आप डायरेक्टली 1.5 पेज में उसका आंसर देंगे कि आप खुश हो जाते हो कि मैंने 8 पॉइंट्स को कवर कर लिया, 8 पॉइंट्स मैंने डाल दिए. और फिर आपकी शिकायत ये रहती कि मेरे को फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले. तो देखिए आप गैप देके कीजिए या कुछ पोर्शन में गैप रखिए, किसी भी तरह देखिए पेपर भी भरा हुआ दिखना चाहिए, समझ रहे हो ना, कि आपने सब कुछ लिख दिया फिर भी आपकी कॉपी में एग्जामिनर को देख के लगता है कि बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है या बच्चे ने कम लिखा है. तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करता है कि आपने 8 मार्क का सब पूरा आंसर दिया है फिर भी वो आपको उसमें 6 मार्क देगा, क्योंकि एग्जामिनर की भी एक वो कौन आंसर शीट चेक करते करते एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है कि बच्चे का कम से कम इतनी लेंथ में आंसर आना चाहिए. अगला इंट्रोडक्शन.
कि नॉर्मली बाकी जो सवाल हैं 3 मार्क वाले हैं उनमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। लेकिन 8 मार्क वाले में आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 8 मार्क्स में आपसे अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में 8 मार्क का सवाल आ गया, तो उससे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए। अशोक की मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, तो मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किसने किया, इसके मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक मेगस्थनीज की इंडिका है, साथ ही अशोक के अभिलेख हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद ये कि ब्रीफ सा ऐसा इंट्रोडक्शन देने के बाद आप अपनी आंसर को शुरू कीजिए। अगला है, आंसर को हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिखिए। कई बार एग्जामिनर क्या कोशिश करता है कि देखिए 8 मार्क है, तो वो एग्जामिनर ये ढूंढता है कि आपने 8 पॉइंट में आंसर दिया क्या, मतलब आपने 8 पॉइंट को कवर किया क्या, क्योंकि उसके पास जो आंसर स्कीम आती है उस स्कीम में 10-12 पॉइंट रहते हैं, और फिर उसमें नीचे एक ब्रैकेट में लिखा रहता है कि कोई भी 8 पॉइंट, एनी 8 पॉइंट्स, तो फिर एग्जामिनर के सामने रहता है कि 8 पॉइंट शुड बी देयर। अगर आपने वहाँ पे 7 पॉइंट में ही सब कुछ लिख डाला है, तो फिर भी आपको 8 मार्क्स नहीं डाला अलॉट करेगा, क्योंकि सिंपल सा आंसर उसके में लिखा हुआ है कि एनी 8 पॉइंट्स, यानी कि 8 पॉइंट शुड बी देयर। तो आंसर में जो आप हेडिंग बना रहे हो, तो उसको इस प्रकार से बाइफरकेट कीजिए कि वो 8 पॉइंट्स में अलग से दिखाई दे, और हो सके तो पॉइंट को वैसे कीजिए कि 0.1, 0.2, 0.3 आप उसको मार्क कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को काउंट नहीं करना पड़े कि आपने कितने पॉइंट लिखे हैं। अगला आपका जो लास्ट पैराग्राफ है वो एक कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि आपने अभी तक इतनी पूरी जो राम कथा लिखी है, उस राम कथा लिखने के बाद आपका क्या विचार है, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो आपका कंक्लूजन के अंदर आना चाहिए। अब 8 मार्क क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा होता कि आपको डायग्राम लिखना है या मैप को उसमें ड्रॉ करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तीनों सवाल में जहाँ भी गुंजाइश हो आपके पास, वहाँ पर आप डायग्राम या मैप को ज़रूर यूज कीजिए। देखिए, अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, तो आप सिंपल सा इंडिया का मैप बनाइए, उसमें आप उज्जैनी, यवंती और साथ में जो राजगृह, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, गांधार, इन सबको दिखाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या मान लीजिए स्तूप वाले से कुछ सवाल पूछा 8 मार्क का, तो आप स्तूप को ड्रॉ कर दीजिए कि स्तूप है, यह अर्धचंद्राकार है, चारों तरफ इस प्रकार से बाउंड्री रहती थी, ऊपर ऐसे हर्मिका लगी रहती थी, सबसे ऊपर अंड वाला पोर्शन होता था, ये इधर से चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता था, तो इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिए। कबीर की टीचिंग से कोई सवाल आया, तो फिर आप एक उसको डायग्राम वैसे बना सकते हो कि मतलब कबीर की जो एजुकेशन है उनको आप पार्ट में डिवाइड करते हो, कि इधर उनके शब्द होते थे, इधर उनके दोहे होते थे, साथ में ये बातें, इस प्रकार से एक रेखीय डायग्राम आप तैयार कर सकते हो। अगला 8 मार्क क्वेश्चन में हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ब्लैक पेन अपने साथ रखिए और उससे उनको अंडरलाइन करते जाइए। ये नहीं कि सारी की सारी लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, लेकिन उस पोर्शन को अंडरलाइन कीजिए जो आप सोचते हो कि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर का ध्यान इस पे जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा कष्ट नहीं हो, कि उसको वो पॉइंट देख के उसको आइडिया लग जाएगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है और आपने सही आंसर लिखा है। दूसरा, जो भी मैंने पहले बोला कि लाइन्स के बीच में स्पेस दीजिए पहला, तो आपके अलग अलग 8 पॉइंट्स वो बाइफरकेट हो जाएंगे यदि आप स्पेस रखोगे तो। दूसरा, आपकी कॉपी फिलअप लगेगी, आप 3 एंड स्पेस रखोगे तो आप 3-4 चौथे पेज तक आराम से पहुंच जाओगे, तो कॉपी आपकी भरी भरी लगेगी एग्जामिनर को। अगला है, कीप इन माइंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ये एक और इंपॉर्टेंट जो गलती स्टूडेंट कर देते हैं, 8 मार्क क्वेश्चन में कई बार एक स्टेटमेंट रहता है और उस स्टेटमेंट को सिंपल सा उड़ाल देते हैं, तो उस स्टेटमेंट वाले सवाल को कम से कम 2-3 बार आप बार बार पढ़िए और उसके वर्ड्स को बाइफरकेट कीजिए क्या गया है। ये अगर इंग्लिश में एक बार आपको ढंग से समझ नहीं आ रहा, तो एक बार हिंदी मीडियम वाले सवाल को पढ़ के देख लो कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग हो रहा है। साथ ही उसमें 8 मार्क वाले में ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है कि उसमें 6+2 रहता है मार्किंग, तो एक ही सवाल में वो 2 सवाल पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, आते हुए भी 6 मार्क वाले का पूरा आंसर लिख देते हैं, 2 वाले को भूल जाते हैं, या फिर 2 वाले को अलग से लिखना भूल जाते हैं। अब देखिए, एग्जामिनर तो आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ढूंढने का कि आपने 2 मार्क वाला कहाँ अटेम्प्ट किया है। यदि 6+2 नॉर्मली आता है, तो 2 मार्क वाले को अलग से 2-3 लाइन छोड़ के आप नीचे अटेम्प्ट कीजिए, ताकि एग्जामिनर को ईजिली आसानी रहे कि यहाँ तक आपने 6 मार्क वाले का आंसर दिया है और इससे नीचे आपके 2 मार्क वाला आंसर शुरू हो रहा है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। लास्ट है, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट है उसका पहली बार में मीनिंग हमें कैप्चर करने में बड़ी मुश्किल होती है। कई बार ये होता है कि हम पहली बार में पढ़ते हैं और उसमें उसका आंसर कुछ और होना चाहिए और हम आंसर कुछ और देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं,
जैसे दुर्योधन और जो ये उसकी माता गांधारी वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें हम बार बार देखते हैं पढ़ते हैं, तो हम उसका रीज़न समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, उसको कहाँ हिस्ट्री में कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, उसके थ्रू कैसे हिस्ट्री में उस समय की फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं उनके द्वारा सोसाइटी के अंदर महिलाओं की कंडीशन कैसी थी, धर्मशास्त्र क्या कहना चाहते हैं महिलाओं की कंडीशन के बारे में, धर्मशास्त्र उन्हें किस प्रकार के राइट्स दे रहे हैं, तो वो सारी बातों को आप तभी समझ पाओगे जब इस प्रकार के स्टेटमेंट को आप 2-3 बार पढ़ोगे। जैसे नेहरू जी का स्टेटमेंट जो लास्ट वाले चैप्टर में है कि हम संविधान की कॉपी नहीं कर रहे हैं इधर उधर से, तो उसका क्या कहना चाहते हैं, उसका अंतर जो उसमें एक मीनिंग छुपा हुआ है वो मीनिंग क्या है, कि उस मीनिंग को हमें ऐसे समझना कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें तो पहले से लिखी गई हैं, तो ये तो है नहीं कि हम कुछ नया इन्वेंट करेंगे, तो उन अच्छी चीज़ों को ग्रेप्स करने में क्या बुराई है, उसको हम ये तो नहीं बोल सकते नहीं कॉपी पेस्ट किया हमने सब कुछ। तो नेहरू जी भी यही कहना चाहते हैं कि हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को कि पुराने एंशियंट टाइम में जो भी ग्लोरीफाइड चीज़ें हुई हैं उन सब से हमने एक एजुकेशन लेकर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि 8 मार्क के क्वेश्चन को कैसे जो आंसर देना है, स्पेशली 4 मार्क लेने के लिए इसको ध्यान में रखिए आप, और जितना हो सके कहीं भी गुंजाइश आपको दिखाई दे आप मैप को ड्रॉ कीजिए, कोई पिक्चर उसमें बनाइए, और कुछ नहीं है तो आप उसी का एक समराइज रूप से डायग्राम बना सकते हो, तो इस प्रकार से फिर आपका एक आंसर है ना वो अलग ही इफेक्टिव रूप से दिखाई देगा। होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। और कोई पोर्शन यदि आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप एक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।